हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है स्पोर्टशाला में। गाइज, WWE पहले वाले टाइम में भी बहुत पॉपुलर था और आज के टाइम में भी उतना ही पॉपुलर है। जब हम देखते हैं कि खिलाड़ी एक दूसरे को मार रहे हैं और इस तरीके से पूरा सीन होता है, तो हमें लगता है कि यार क्या वास्तव में असली है या फिर फेक है। और बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये जो है सब जो है झूठ मूठ में हो रहा है, असलियत में कुछ नहीं हो रहा। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि क्या WWE में चीज़ें सच में होती हैं और कितनी असलियत होती है जो सीन हमें दिखाए जाते हैं उनके अंदर। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्टशाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। गाइस, जब मैं छोटा था तो बहुत WWE देखता था और उस वक्त जो है कोशिश होती थी कि एक भी फाइट मिस ना हो। बहुत ज़्यादा क्रेज था उस टाइम पे और 10 स्पोर्ट्स के ऊपर आती थी जो फाइट्स होती थी। लेकिन उस टाइम लगता था कि सब कुछ जो है वास्तव में हो रहा है। और बाद में जो है धीरे धीरे सोच बदली और चीज़ें पता लगती हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो शुरुआत करते हैं WWE के पूरे नाम के साथ में, जो कि होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये एक मनोरंजन कंपनी है, यानी कि WWE जो है एक कंपनी है जो कि एंटरटेनमेंट का साधन प्रोवाइड करवाती है। इसका काम है एंटरटेनमेंट देना, ना कि जो वो लड़ाई वड़ाई होती है उस टाइप की चीज़ें, लेकिन वो करनी पड़ती हैं एंटरटेनमेंट देने के लिए, क्योंकि लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या ये फेक है, क्या सब कुछ जो हो रहा है वो नकली है, वो झूठ है, यानी कि कोई किसी को मार नहीं, ना सिर्फ जो है दिखाने के लिए मार रहे हैं। तो भाई, जब ये बात आती है तब उसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में पूछे तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये फेक नहीं होता, लेकिन असली भी नहीं होता। जो हमें लगता है कि यार ये असली तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सीन्स होते हैं जिसमें कि हमें लगता है यार ये मार क्यों नहीं रहा उसको, या फिर लगता है कि यार इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है कि उसने वहाँ पर जाकर चोट खा ली। या अगर कोई ऊपर से कूद रहा है, सपोज कीजिए कोई रस्सी पे से चढ़ के कूद रहा है, तो नीचे वाला बंदा हटता क्यों नहीं है। तो यार सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं, यानी कि पहले से ही डिटरमाइंड होती हैं, प्री डिटरमाइंड होती हैं। सब कुछ फिक्स होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पूरा जो मैच है उसका रिजल्ट फिक्स होता है, पूरा जो शेड्यूल होता है कि इस मैच में ये जीतेगा, अगले मैच में वो बंदा जीतेगा, फिर उन दोनों की फाइट होगी, ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है। जी हाँ, सब कुछ फिक्स होता है पहले से। और हो सकता है आपको देख के लगता भी हो कि यार ये जो है इस तरीके से तो कैसे होगा। और बीच बीच में जो रेफरीज होते हैं वो भी बताते रहते हैं प्लेयर्स को, जो रेसलर्स होते हैं, कि आपको क्या करना है। तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो देखिएगा, कभी वो बोलते रहते हैं कि अब जो है ये करना है, आपको सुनेगा नहीं लेकिन फिर भी होता रहता है। तो जो चीज़ें हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं और जो कंपनी है वो खुद जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि कंपनी चली इसी चीज़ पे रही है। तो भाई, WWE देखने वाले जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले को बोल सकते हैं मार्क्स, यानी कि MARKS, जिसमें कि मेनली आते हैं वो लोग जो कि ये समझते हैं कि ये जो फाइट हो रही है ये असली है। जो रेसलर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर वास्तव में गुस्सा है और एक दूसरे को बढ़िया से मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर के जीतने के लिए जो है खेल रहे हैं। तो उसमें मेनली आते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को जो दिखाया जाता है उनको सच लगता है। और वही कुछ केस मेरे साथ भी था, मुझे भी लगता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल असली है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है ऐसे लोगों की, जिनको पता होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये असली उतना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, पहले से तैयार हैं। उन लोगों को बोलते हैं स्मार्ट मार्क्स, यानी मार्क्स तो वो भी हैं पर स्मार्ट हैं, उनको पता है, वो दिमाग लगा सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं स्मार्क्स, SMARKS। तो इस ऑडियंस को जो है पता होता है कि सब चीज़ें प्री डिटरमाइंड हैं, लेकिन फिर भी वो लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मज़ा आता है देखने में, उनको एंटरटेनमेंट मिलता है उस चीज़ से। कुल मिलाकर के बात यह है कि WWE जो है वो एक बढ़िया से जो है वेल प्रिपेयर्ड, वेल मेंटेन, वेल प्रोड्यूस्ड, एक तरीके से एक शो बोल सकते हैं हम, जो कि बहुत सही तरीके से काम करता है। अलग अलग तरीके से जो है इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें घुसाई जाती हैं हमारे दिमाग में, जिससे कि हम उस चीज़ को देख सकें। और जो कंपनी है वो पैसा भी कमाती है और एक ड्रामेटिक वे में जो है पूरा चलता है। अगर हम WWE के ड्रामा कहें तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि ड्रामा में एक क्लाइमैक्स होता है, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर भी चलता है। हर एक मैच में हमें जो है एक घुमाव देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी कोई किसी को मारता रहता है, दूसरे ही सेकंड में जो है दूसरा बंदा पलटवार कर देता है। तो ये सब जो है एक बिल्कुल मूवी की तरह काम करता है, ड्रामे की तरह काम करता है, और उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो हमें जो है एंटरटेन करता है, जिसको भी करता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो WWE काम करती है, तो फाइनली एक बार फिर से कहूँगा कि इसको हम फेक नहीं कह सकते,
चीज़ें जो है वो स्क्रिप्टेड हैं। और अगर दूसरी चीज़ की बात करें कि क्या जो प्लेयर्स एक दूसरे को मारते हैं वो फेक होता है, तो यार वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि वो चीज़ फेक नहीं होती। एक दूसरे को अगर किसी ने मारा है, अगर किसी ने घूसा मारा है, लात मारी है, या कोई कुर्सी वुर्सी उठाकर मारी है, तो यार वो असली में मारी उन्होंने, उसके ऊपर दर्द भाई हुआ है उसको, या किसी ने किसी को उठा करके फेंका है। आप सोच सकते हैं अगर कोई 6 फुट से नीचे गिरा है तो यार उसको ऑब्वियसली दर्द होगा। तो वो चीज़ें फेक नहीं है, यानी कि जो रेसलर्स हैं वो चोट खा रहे हैं असली में, उनको दर्द हो रहा है। और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो लोग कर रहे हैं हमको एंटरटेन करने के लिए, जिन लोगों को देख करके अच्छा लगता है, जो लोग एंटरटेन होते हैं, और उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं, यानी कि वो उनका काम है। तो भाई इस तरीके से WWE वो काम करती है, फेक नहीं है, स्क्रिप्टेड कहना जो है बेहतर रहेगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ का आइडिया लगा होगा और एक क्लैरिटी बनी होगी। और यही जो है बिल्कुल इसका सीक्रेट है जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सब जो है एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है भाई। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्स शाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।